भी ऑल द बेस्ट भाई मेरी तरफ से कि अच्छा हारना। एल्विस ने किया मुनावर फारूकी और फुकरा को लाइव रोस्ट। जी हां, आपको बता दूं कि ईसीएल मैच स्टार्ट होने वाला है जिसकी कल प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें एल्विस यादव गए थे और वहां पे फुकरा इंसान की भी टीम है और मुनावर फारूकी की। आपको बता दूं कि वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और वहां पे पब्लिक ने पूछा उनसे कि आप मुनावर फारूकी और फुकरा के लिए क्या बोलना चाहोगे। उन्होंने उनको लाइव रोस्ट कर दिया। यहां पे आप देख लो, थोड़ा फनी वे में रिप्लाई किया है, आप ये वीडियो देखो। अच्छा हारना। अभिषेक भाई के बारे में? हाँ अभिषेक भाई। ईसीएल मैच प्रैक्टिस के लिए फुकरा इंसान भी वहाँ पे पहुंचे थे। फुकरा इंसान और एल्विस की आपने कई सारी वीडियोस भी देख ली होगी, लेकिन वहाँ पे मुनावर फारूकी नहीं पहुंचे थे। इस प्रैक्टिस मैच को मुनावर फारूकी अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी वीडियो लाइव चल रही थी एलईडी पे और वहाँ पे एल्विस के फैंस क्या बोल रहे थे मुनावर को, आप सुनो। एल्विस का बेटा मुनावर, एल्विस का लड़का। पैलेस के बारे में क्या कुछ है आपको कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है लवकेश कटारिया की ओर से। आपको बता दूं कि लवकेश कटारिया को ईसा मालविया ने ट्रोल किया था, उनको एल्विस का मैनेजर बोला था। रिसेंटली ईसा मालविया का एक पॉडकास्ट हुआ था जिसपे उनसे पूछा गया था कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए कुछ आप कंटेस्टेंट के बारे में बोलो, तो सबके बारे में तो उन्होंने बोला, बाकी जब लवकेश कटारिया का नाम आया तो एंड वहां पे उन्होंने रिप्लाई किया मैनेजर लव कटारिया मैनेजर इन। एंड इसके बाद ये चीजें लवकेश कटारिया को पसंद नहीं आई। आप देख लो लवकेश कटारिया ने ईसा मालविया के लिए क्या बोला है। फर्स्ट कॉपी के बारे में श्रद्धा कपूर की भाई, श्रद्धा कपूर की फर्स्ट कॉपी एक पॉडकास्ट में बैठी थी, वहाँ पे उससे पूछा गया कि बिग बॉस OTT3 के कंटेस्टेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है एक लाइन में, मतलब ऐसे एक दो वर्ड्स में। तो जब मेरा नाम आया, उसने बोला, भाई ने पूछा और पॉडकास्ट वाले ने लव कटारिया, तो कहती कि मैनेजर, और फिर हंस दी ऐसे हंस दी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैनेजर मैनेजर तो मेरे को ना पड़ता इतना सा भी फ़र्क, कितना ही कही जाओ तुम, हमारे में इसको भाईचारा कहें हैं, दोस्ती कहें हैं, तुम्हारे में और कुछ कहते होंगे, पर फिर भी अगर मैनेजर की बात कर ही रहे हो तो मैनेजर बेटे बैठा बैठा यहीं पे बताने लग रहा, हिलना भी ना पड़ेगा, शो पूछते हैं आपकी 100, समझ रहे हो। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, फिर आप कहोगे वीमेन। एंड इसके साथ ही एल्विस यादव, लवकेश कटारिया, लक्ष्य और अर्चित का एक सॉन्ग आने वाला है यारों की यार, इसका एक और पोस्टर आउट हुआ है, स्क्रीन पे आप देखो। कितना हो एक्साइटेड इस सॉन्ग को सुनने के लिए कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।